हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन एंड नेविगेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे पौधे जो हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बनाते हैं, बट हमने ये भी जाना कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। अब भोजन तो हमने प्राप्त कर लिया पौधों से और अदर ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से, बट उसका हमारी बॉडी में कैसे एसिमिलेशन होता है, किस प्रकार उन कंपोनेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को हम हमारी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, वो प्रक्रिया हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा नहीं बना सकते, इसीलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हिटरोट्रॉप्स कहलाते हैं वो, और दूसरा इनको हम कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल जो हैं वो अपना भोजन सीधा प्लांट से ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, कुछ एनिमल जो होते हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं, यानी हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, उनको खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स भी तो, और हर्बीवोर्स एनिमल्स को क्या खाते हैं, वो खाते हैं प्लांट। तो इस प्रकार जो कार्निवोर्स एनिमल हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, तो उनको क्या कहा जाता है, उनके लिए वर्ड है ओमनीवोर एनिमल, वो ऑर्गेनिजम्स जिनको प्लांट और एनिमल्स दोनों खाने की आज़ादी होती है या वो दोनों तरह का भोजन ट्राई करते हैं, तो उनको कहते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स के एग्जांपल क्रो, डॉग, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा, और बर्ड्स भी मोस्टली, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो नट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, और साथ के साथ में सम इंसेक्ट्स, दे प्रिफर इंसेक्ट्स ऑल्सो, सो दे आर ओमनीवोर्स। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स या फिर हम कहें ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। तो एनिमल जो हैं उनके न्यूट्रिशन में हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसी होती है, किस प्रकार का भोजन प्रत्येक ऑर्गेनिज्म खाता है। ये हर एक एनिमल जो है और इंसान अलग अलग तरह का भोजन खाता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग। उनका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड क्या होता है, वो किस प्रकार भोजन लेते हैं, माउथ से लेते हैं, या वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली उनको बाहर डिजॉल्व करते हैं फूड सब्सटेंसेस को, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, और फिर उसे बॉडी में यूटिलाइज करते हैं उनका एसिमिलेशन करने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम, चलो हम इस लिस्ट में उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो है एक कार्बोहाइड्रेट्स, हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट,
प्रोटीन एंड डाइट्री फाइबर्स, जिन्हें हम रफेज भी कहते हैं, एंड वाटर आल्सो। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, फूड कंपोनेंट्स, जो हमने चैप्टर 6 क्लास में, चैप्टर 2 में पढ़े थे। और ये सारे जो हैं वो अलग अलग बॉडी में, बॉडी हमारी बॉडी में अलग अलग रोल अदा करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, विटामिंस को ये हमें डिजीज से बचाता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है। फैट जो है वो भी एनर्जी गिविंग और बॉडी में स्टोर होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, डाइट्री फाइबर जो है फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी वो ज़रूरी होता है। और वाटर तो हमारी बॉडी बनी होती है वाटर की कंटेंट से, 70% हमारी बॉडी वाटर कंटेंट होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो भी अभी हमने यहाँ पे लिस्ट में लिखे थे वो सारे जो कंपोनेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और डायरेक्टली जैसे ही हमारे पेट में गए वैसे ही वो हमें एनर्जी देना या हमारी बॉडी को बनाना शुरू नहीं करते, उनको सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी वो आगे हम पढ़ते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, जैसे ये होते हैं उसी रूप में हम उस बॉडी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि रोटी को रोटी के रूप में, हमारी वेन्स में वो रोटी के रूप में, वेजिटेबल वेजिटेबल के रूप में नहीं बह सकती। उनको उनके जो फूड कंपोनेंट्स हैं, रोटी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वेजिटेबल्स में क्या होगा, करी, वेजिटेबल करी में क्या होंगे, विटामिन्स होंगे अगर, और वो पनीर भी हो सकता है अगर आपने फिश मीट कुछ खाया है, प्रोटीन भी हो सकता है उनके अंदर, फैट भी होता है, ऑयल अगर इस्तेमाल होता है भोजन में, तो उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इंटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज व्हाट इज डाइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इज कॉल्ड डाइजेशन, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। Now different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organism. अलग अलग organisms में अलग अलग तरीके से भोजन को अपने शरीर में लिया जाता है, अंदर की तरफ intake किया जाता है। तो bees and hummingbirds suck the nectar of plants. जैसे मधुमक्खियाँ हैं या hummingbird है, वो क्या करते हैं, वो हमारे जैसे अदर ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट पार्ट्स या फूड नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लावर का जो नेक्टर होता है, रस जो होता है वो सक करते हैं, वो चूसते हैं वो, तो उनका भोजन प्राप्त करने का या उनका भोजन अलग तरीके का हो गया। और ह्यूमन बींग में भी हम देखते हैं कि इन्फेंट्स जो होते हैं, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे जो अभी अभी नवजात शिशु हैं, वो क्या करते हैं, वो तो सिर्फ मिल्क पीते हैं और बाकी, और बड़े होने के बाद हम लोग उनका फूड टेकिंग वे ऑफ फूड टेकिंग चेंज हो जाता है, वो रोटी सब्जी खाने लग जाते हैं, उनके दांत आ जाते हैं, तो उस वजह से मदर्स मिल्क पे वो डिपेंड नहीं रहते बट इन्फेंट डिपेंड रहता है। तो ये भी एक अलग तरीका हो गया, बाद में चेंज हो गया उनका फूड का। वहीं जो स्नेक है, जैसे पाइथन है, वो पूरे के पूरे एनिमल को स्वेलो गटक जाता है बिना चबाए। और कुछ एनिमल्स को आपने देखा है, जैसे काऊ है, वो कई देर तक अपने भोजन को बैठ के चबाती रहती है। उनके लिए च्यूइंग इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए च्यूइंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी के लिए सॉलिड फूड होना चाहिए, किसी के लिए जूस भी काफ़ी होता है। सो एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट, उनको अपनी बॉडी में स्वेलो ही कर लेते हैं और वो उनकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो सबका
there are different ways of taking food for different organism. Now this activity. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below. Jaise snail, ant, eagle, hummingbird, lice, mosquito, butterfly and housefly. So in this activity हमें snail क्या खाता है? हम snail के लिए लिखेंगे snail eat leaves and insects और mode of feeding is scraping. Mode of feeding is scraping. Ant food particles. Ant क्या खाती है? Food particles खाती है और उसका mode of feeding है chewing. Ant का लिखोगे आप chewing. Eagle capturing and swallowing. Hummingbird sucking. Lice sucking. Mosquito sucking of flower juice. Lice suck blood. Mosquito suck blood. Butterfly siphoning. Housefly siphoning. So now we know that snail mode of feeding of snail is scraping and chewing, eagle capturing and swallowing, hummingbird sucking, lice sucking, mosquito sucking. वही hummingbird और जो butterfly है वो flower के अंदर से nectar को suck करते हैं और housefly almost every kind of food housefly जो है वो intake करती है. Now here one amazing fact is given that starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is swallowed, slowly digested. So now digestion in human. ह्यूमन बींग्स में यानी हमारे बॉडी में हमारे शरीर में डाइजेशन कैसे होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, पर हम इसे अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ. वी ऑल नो दिस कि सबसे पहले जो भोजन है हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में जाता है, माउथ में जाता है और फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं स्टोमक में और फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है. स्टमक खाना खाया माउथ से स्टमक में गया, वहाँ पे डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के बाद उनको वो कार्बोहाइड्रेट वाइटामिन्स प्रोटीन फैट में डिवाइड हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं और उनको इस रूप में ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वेसल्स के द्वारा और उन्हें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचा दिया जाता है. वहीं द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड. जो अनयूज्ड वेस्ट पार्ट है या अनडाइजेस्टेड है पार्ट होता है फूड का वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी. कि कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके फूड का क्या होता है. द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगन्स एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. अब कैनाल, व्हाट इज कैनाल. ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम आपकी किताब में, आप इसमें देखेंगे कि दिस माउथ पार्ट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी इन विच टंग टीथ एंड सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और दिस इज इजोफेगस. इस कैनाल के थ्रू ये जो यहाँ से पूरा सिस्टम है एनस तक, इसको एक कैनाल कहा गया है. इस तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल एक वर्ड होता है. एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके थ्रू फूड जाता है, पास होता है और वहाँ से
एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। और इस बक्कल कैविटी और एनस के बीच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, जूसेस, हार्मोन्स और बाइल पिगमेंट्स, ये सब निकलते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमें याद करने हैं। चलो पढ़ते हैं इसको आगे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताई है वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, जिसमें द बक्कल कैविटी, फूड पाइप और ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। तो वेयर इज बक्कल कैविटी? बक्कल कैविटी हम देखेंगे, दिस इज बक्कल कैविटी जहाँ पे माउथ होते हैं और फूड को चबाया जाता है, च्यूइंग करा जाता है और सिंपलर फॉर्म में स्मॉल स्मॉल पीसेज में उसको ब्रेक कर दिया जाता है ताकि वो स्टमक में जाके इजीली डाइजेस्ट हो सके, आगे के प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। और हमारा जो डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वहाँ होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, यहाँ से सलाइवा, हमारे मुँह में जो थूक होता है वह निकलता है, जो सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। फिर इसके बाद ये जो है ये है फूड पाइप, दिस इज़ फूड पाइप और इसको कहते हैं इजोफेगस। फूड पाइप और इजोफेगस एंड दिस इज स्टमक, ये जे शेप्ड मस्कुलर चैम्बर होता है और ये स्टमक होता है। दिस इज पैंक्रिया, दिस इज गॉल ब्लैडर यहाँ पे, और ये लीवर है। लीवर से जो जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में आके थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है। फिर हमारा भोजन जो है वो स्टमक से निकलकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे जो ये बड़ी सी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और चौड़ी सी और छोटी सी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड कंपोनेंट्स हैं, विटामिन, प्रोटीन, उनका जूस का एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड के द्वारा बॉडी में पहुँचा दिया जाता है और वेस्ट मटीरियल को यहाँ डाल दिया जाता है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये तो दीज पार्ट्स टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टरी ट्रैक्ट। तो अभी हमने देखे इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। फूड जो है, फूड कंपोनेंट जो हमने माउथ में लिया है, इनटेक किया है बक्कल कैविटी में, माउथ को हम बक्कल कैविटी कहेंगे ना, तो वहाँ से धीरे धीरे ट्रैवल करते करते अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है, कभी ईजोफेगस के थ्रू स्टमक में, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और वह ये यहाँ इस दौरान बहुत सारे डाइजेशन से जुड़े हुए स्टेप्स होते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रिया, सीक्रेट जूसेस। तो सेलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं, सेलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं सेलिवरी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। लीवर से लीवर जो है वो सीक्रेट करता है बाइल पिगमेंट जो हमारे खाने को डाइजेशन करता है, और हमारी जो एक्सक्रीटरी है, एक्सक्रीशन में जो प्रोडक्ट निकलता है वो येलो कलर का किस लिए हो जाता है, बाइल की वजह से। और पैंक्रिया, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, इनको कहते हैं, ये तीनों जो हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं। जो ये डाइजेस्टिव जूस है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस of food into simpler ones and the digestive tract and these associated glands together constitute digestive system। तो ये digestive tract जो है आपने अभी हमने देखा वो पूरा मिला के इस पूरे system को कहते हैं digestive system। digestive system को explain करना आएगा तो आपको elementary canal से लेकर यहाँ से लेकर पूरा जहाँ पे ये बताए गए हैं यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम तक आपको एक्सप्लेन करना। आप इसको अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप बकल कैविटी है, वहाँ पे क्या क्या होता है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आएगा द माउथ, द माउथ एंड द बकल कैविटी, माउथ और बकल कैविटी, यहाँ क्या होता है,
हमें पता है हमारे माउथ में हम क्या करते हैं, खाने को रखते हैं. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. भोजन जो है हमारी बॉडी में माउथ के द्वारा ही एंट्री करता है ह्यूमन बीइंग में. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी और इज कॉल्ड इंजेशन. बॉडी के द्वारा मुंह के अंदर खाना रखना और माउथ के द्वारा फूड लेने की प्रक्रिया को कहते हैं इंजेशन. वैसे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. द स्टेप ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सबसे पहले द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. उसके बाद उसका स्टमक में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से ब्लड के द्वारा उसे लेके जाया जाता है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेसल्स एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को इजेशन कहते हैं, मींस एक्सपेलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform various functions. Accordingly, they are given different names. हमारे माउथ में जो टीथ है, सेट ऑफ टीथ है, वो क्या करते हैं, उनके अलग अलग काम हैं क्योंकि वो देखने में भी अलग अलग हैं और उनको उनके अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिए गए हैं. तो आइए देखते हैं क्या क्या नाम है. सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम देखना है. आप देखिए इस डायग्राम को. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो फॉर टीजिंग इनके कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जैसे टीजिंग, कटिंग एंड च्यूइंग फूड. और इस प्रकार देर आर फोर टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर्स, ये चारों इंसीजर्स हैं जो आगे आगे वाले हैं, फिर ये दो कैनाइंस, ये दो और ये दो प्रीमोलर्स, और ये तीन और इधर से ये तीन मोलर्स. आवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स आल्सो. विच सीक्रेट सलाइवा. माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं. द सलाइवा का काम, सलाइवा मतलब जो हमारे मुंह में पानी आता है, थूक आता है, वो क्या है, सलाइवा कहते हैं उसे, और सैलिवरी ग्लैंड से वो सीक्रेट होता है. सलाइवा का मेन काम है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इंटू शुगर. सलाइवा जो है वो स्टार्च को, जो भी हम रोटी, राइस, आलू, पोटैटो खाते हैं, वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, और किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से, सलाइवरी माइलेज की हेल्प से, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है. अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 में एक टेस्ट दिया गया है जिसमें हम हमारे माउथ से सलाइवा को लेंगे और एक मतलब ब्रेड का टुकड़ा माउथ में लेकर उसको च्यू करेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ब्रेड हो चाहे रोटी हो किसी का भी, और उसको फिर आयोडीन, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना, आयोडीन जो है वो स्टार्च सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च के लिए टेस्ट करने के लिए काम यूज़ होता है, काम में आता है. तो यहाँ पर हम बॉयल्ड या च्यूड, उबले हुए या फिर चबाए हुए चावल या फिर कोई भी फूड आइटम लेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट हो, और उसमें जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और ये हमें बताएगा कि हमारे माउथ में जो स्टार्च है, भोजन था, वो स्टार्च था. इसमें क्या होगा कि जब पहले हम राइस लेंगे बिना उसके, बॉयल्ड राइस लें या फिर कोई भी खाना लेंगे टेस्ट ट्यूब में जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, वो तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा आयोडीन डालने से,
पर जिस राइस को हमने चबा के अपने सलाइवा में मिक्स करके चबाने के बाद जब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो चावल थे हमने मुंह में लिए और उसे जब चबाया तो उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। सलाइवा ने मिक्स होकर क्या किया, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ इसमें ब्लू कलर नहीं आया और इसमें आ गया, क्योंकि ये हमारे बिना चबाया हुआ था, इसमें सलाइवा मिक्स नहीं था। द टंग इज फ्लैश, और फिर हमारे माउथ में एक होती है टंग, इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गेन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आगे की तरफ अटैच होती है और आगे से या हमारे माउथ की तरफ से, लिप्स की तरफ से फ्री रहती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। वी नो वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग ऑल्सो। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा, हमारे बात करने के लिए तो टंग काम में आती ही है, साथ के साथ में वो सलाइवा को, च्यूइंग के दौरान सलाइवा को फूड के साथ मिक्स भी करती है, जिससे कि फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और स्वेलो करने में आसानी रहती है। और फिर उसका, उसमें जो भी अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का कोई पार्ट हो, वो वहाँ की वहीं माउथ में डाइजेस्ट भी हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और सब एक और काम होता है टंग का, वो है टेस्ट का। इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, सॉल्टी, इन सब का टेस्ट कराते हैं। सो इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी कर कर पता लगा सकते हैं। तो जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर हमको बिटर टेस्ट यानी कड़वा कड़वा लगना होता है, वो गले में आगे जाके लगता है। और यहाँ पे ये जो साइड है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, यहाँ पे आएगा सॉर टेस्ट, ऐसो खट्टी चीज़ यहाँ पे हमें फील होगी। और ये जो है यहाँ पे सॉल्टी, और मीठा जो है हमें अपनी टंग के यहाँ पे फील होता है, ठीक है। दीज आर द रीजन ऑफ टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। नाउ फूड पाइप एंड इसोफेगस। द स्वेलोड फूड पोजेज इन टू द फूड पाइप और इसोफेगस। जो चबाया गटका हुआ, अंदर की तरफ ले जाया हुआ, गिटा हुआ फूड जो है वो फूड पाइप से होते हुए, फूड पाइप का एक कुछ काम नहीं है, बस उसके अंदर से फूड अंदर जाता है। फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, गले से लेके स्टमक तक जाती है। ये एक रास्ता होता है जिसमें से फूड जाता है, और ये मस्कुलर होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर मूवमेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। क्या कहते हैं, इसमें फूड कैसे चला जाता है अपने आप, इसमें जो होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भोजन जो है वो इसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हम अपनी टूथपेस्ट निकालते हैं ट्यूब में से। कैसे निकालेंगे, आगे से हम पीछे से दबाते हैं तो टूथपेस्ट आगे की तरफ जाता है, फिर उसे आगे ऐसे दबाते दबाते जहाँ से हम दबाते हैं वहाँ से तो पिचक जाती है ट्यूब, और जहाँ पे वो पेस्ट पहुँचता है वहाँ से वो फूल जाती है, फिर वहाँ से दबाते हैं तो आगे से फूलती जाती है। इसी प्रकार जो फूड है वो अगर यहाँ है तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पिचक जाएगा, यहाँ पे से हटकर यहाँ आएगा तो यहाँ से फूल जाएगी ये पाइप, ऐसे फूल फूल के यहाँ से भोजन को पहुंचाती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड जो है वो धकेल दिया जाता है फूड पाइप की दीवारों के द्वारा। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। अगर फूड हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो वो क्या करता है,
उससे वॉमिटिंग हो जाती है, और वॉमिटिंग होती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा फूड जो है वह स्टमक से चलकर आ रहा है, गले तक आता है, तब तक हमें कोई टेस्ट नहीं आता वॉमिट का, पर जैसे ही हमारी टंग में आता है तो हमें अजीब सा बहुत ही हर तरह का टेस्ट आ जाता है, वो कड़वा खट्टा गंदा सा, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट बड होते हैं। रिकॉलिंग रिकॉल द इंस्टेंसेज व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, बिकॉज अवर फूड स्टमक डज नॉट लाइक दैट एंड दैट वॉज नॉट हेल्दी। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। अब स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। स्टमक का एक एंड, एक सिरा तो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होते हुए हमारे माउथ से कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक जाता है। द इनर लाइनिंग, अब स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है उसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। पेट की अंदर वाली जो त्वचा है उसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं और एक म्यूकस की लेयर होती है जो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए वहाँ पे वो फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यानी एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट अपना काम शुरू करते हैं प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे एंजाइम को एक्टिवेट करता है प्रोटीन को डाइजेशन के लिए। और म्यूकस क्या करता है, पेट की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है यानी अंदरूनी त्वचा जो है स्टमक की, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है। और एसिड का एक और काम है कि एसिड जो है वो भोजन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और अन्य प्रकार के कीटाणुओं को मारती भी है। तो द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विथ द फूड इनटू अवर स्टमक एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो HCl जो है वो एक तो कीटाणुओं को मारता है और दूसरा स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे कि प्रोटीन डाइजेशन हो सके। फिर उसके बाद फूड जो है वह स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक 7.5 मीटर लंबी कॉइल्ड पाइप होती है जो अगर उसकी इन उलझनों को खोलकर उसको करें तो वो एक 7.5 लंबी मीटर लंबी पाइप बनेगी। तो इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। लीवर और पैंक्रियाज से सीक्रेशंस यानी जो भी लीवर से यानी लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद वो स्टमक में जाता है और फैट का डाइजेशन करता है। तो लीवर जो भी जूस निकालेगा वो क्या डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करेगा, वो फैट को डाइजेस्ट करेंगे। और पैंक्रिया इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक एंड द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो इन तीनों का ही डाइजेशन करता है और इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हम एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि पैंक्रिया, लीवर और ये सब चीज़ें कहाँ हैं। देखो दिस इज लीवर, ये जो है ये लीवर है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये गॉल ब्लैडर। लीवर से गॉल ब्लैडर में बाइल जूस आता है और बाइल जूस का काम क्या है, फैट का डाइजेशन करना। और पैंक्रिया से आता है पैंक्रियाटिक जूस जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन करेगा। फिर यहाँ से फूड जो है वो मिक्स होकर इसमें आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कम्प्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी प्रकार का जो डाइजेशन है वो कम्प्लीट हो जाता है। और यहाँ पे कहते हैं, वेयर क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है,
तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे सारे फूड का जो डाइजेशन के बाद जो एक मिक्सचर बन जाता है, जूसेस जूस जैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड मिक्सचर बन जाता है, तो वो आ जाता है इस पाइप में स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इंटू सिंपलर शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल शुगर में। फैट किस, फैट फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। तो हमको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोस में और सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में का मेन काम जो होता है वो है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन में द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, यहाँ पे इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की अंदरूनी जो त्वचा है, दीवार है, वॉल है, उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिनको कहते हैं विली, जिनको सिंगली विलस कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये इस इन डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट जूस है उसको सोख लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी और ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दी जाती हैं। द विली क्यों बनी होती है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, विली जो है वो फिंगर लाइक है, और इन ये इनको फिंगर लाइक बनाने का इस प्रकार की होती हैं ये ऐसे ऐसे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकें। क्योंकि अगर ऐसे और ऐसे होती तो सिर्फ इतना सा एरिया मिलता, पर अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो कितना बड़ा, इससे ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाती है। तो विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस, सिंगली हम इनको क्या कहते हैं, विलस, हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। हर एक विली के पास बहुत सारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और नेटवर्क होता है नसों का, वेन्स का, जो कि फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर बॉडी में पहुँचाते हैं अलग पार्ट में। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गेन्स। ब्लड वेसल के द्वारा अलग अलग ऑर्गेन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है सब्सटेंसेज जो कि विली ने एब्जॉर्ब किए हैं। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या करते हैं, बॉडी में पहुंच जाते हैं और फिर हमें एनर्जी देते हैं, जो जो उनके फंक्शन है। जैसे प्रोटीन का बॉडी बिल्डिंग का काम है तो वो हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाएगा, फैट क्या करेगा, एनर्जी देगा, ऐसे। तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज पहुँच गया, जो ग्लूकोज पहुंचा है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में बदल गया, तो वो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और भी उससे क्या बनेगा, CO2 निकल में बदलेगा, वो वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। CO2 जो है वो हमारे नाक के द्वारा हम बाहर निकाल दे जाते हैं, वाटर का और एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइड होती है, चौड़ी होती है और छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ये बहुत छोटी होती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड से जो कुछ बचे कुछ सॉल्ट्स होते हैं और वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करना, और रिमेनिंग वेस्ट को रेक्टम के द्वारा सेमी सॉलिड फीसिस के रूप में बाहर निकाल देना एनस के थ्रू, जो कि कहलाता है इजेशन। तो डाइजेशन, अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, आपने बच्चों देखा होगा कि
काउ, गॉट, कैमल ये एक जगह बैठे रहते हैं और बहुत देर तक चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं। दे आर कंटिन्यूसली चूइंग समथिंग, और जबकि उनके आगे कोई भी भोजन रखा नहीं होता है। तो कभी क्या कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उससे पहले आपने देखा होता कि जब भी गाय है या कोई गॉट है, कैमल है, खाना खा रहे होते हैं, अपना चारा जब खा रहे होते हैं, तो वो नॉन स्टॉप खाते जाते बिना चबाए ही बस उसको खाते जाते हैं और पेट में ले जाते, स्वेलो करते जाते हैं। तो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो एंड ग्रास स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका जो पेट होता है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें उनके पेट में क्या होता है, एक तो रूमन होता है एक एरिया जिसको रूमन कहते हैं, दूसरा एरिया होता है एक और अलग। पहले तो सारा खाना जब ये एनिमल्स होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स जल्दी 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 रूमन में स्टोर कर लेते हैं बहुत सारा, बाद में जाके वो बैठते हैं और इस रूमन से छोटे छोटे लम्प्स बनकर वापस उनके माउथ में आते हैं। ये जो लम्प्स हैं इनको कहा जाता है कड, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियली डाइजेस्टेड, मतलब यहाँ पे रूमन के अंदर जो फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट घास गई थी डायरेक्ट, बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, उसके छोटे छोटे लम्प्स बनकर बार वापस इनके मुंह में आता है, माउथ में आता है, और ये फिर उसको चबाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं जुगाली करना, और इसीलिए इन एनिमल्स को कहा जुगाली करने वाले एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, रूमिनेशन करते हैं। रूमन इनके पेट में रूमन होता है और उसमें से वापस फूड जब माउथ में आता है तो उसको ये जुगाली करते हैं यानी रूमिनेशन करते हैं, तो स्मॉल लम्प्स को, तो इसलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। एक्चुअली द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, घास जो होती है वो किससे रिच होती है, वो किसकी होती है, घास जो है वो ग्रीन होगी और फोटोसिंथेसिस करेगी तो वो क्या बनाती है, सेलुलोज। घास के अंदर सेलुलोज होता है, प्लांट्स की पत्तियों में सेलुलोज होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट जो कि ह्यूमन बींग्स कच्चे पत्ते हम नहीं चबा सकते, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, चबा तो सकते पर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो रूमिनेंट्स जो होते हैं लाइक कैटल, डियर, उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है उनके रूमन में, RUMEN जो ये रूमन है इसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए परफेक्ट होता है, जो उनकी हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। और बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और बहुत से एनिमल्स हैं जो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कीसम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके एनिमल्स के स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक जगह होती है, सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, और यहाँ पर इसके इस जगह पर सिकम पर की जगह पर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बट ह्यूमन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल विच पोजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देर आर मैनी। अब हमने तो ये हमने ये पढ़ा है कि भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार का वहाँ पे वो फूड भी लेते हैं, उनमें सब कुछ होता है, बट उनमें जिस प्रकार का डाइजेस्टिव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में है, एनिमल्स में है, वैसा उनकी बॉडी में नहीं होता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम पढ़ेंगे अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। एक्चुअली अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो अमीबा की बॉडी कैसी होती है, इरेगुलर बॉडी है, दिस इज़ द शेप। अमीबा की बॉडी इरेगुलर बॉडी होती है और वो बार बार अपनी शेप बदलता रहता है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वो बहुत ही इरेगुलर बॉडी होती है। सो दीज आर फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, उनकी बॉडी के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, उनकी बॉडी में राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है, एंड
मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं इन इट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अमीबा एक सेल ही है, तो ये जो ये सारा ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हैं लिक्विड, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और वैक्यूल्स तैर रहे होते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म को जिसने कवर करा हुआ है, ये पूरी क्या है, ये वॉल है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजिशन, इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया एंड फॉल्स फीट। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ये जो सूडोपोडिया होते हैं, ये सूडोपोडिया हैं, दीज आर सूडोपोडिया, ये बनाता है ताकि फूड को कैप्चर कर सके, और यही सूडोपोडियम इसके लोकोमोशन में भी काम आते हैं। कैसे करता है कि जैसे ये अमीबा है और ये सूडोपोडिया बना रहा है, तो इस जब इसे लोकोमोशन करना है तो ये ऐसे तैर के भी करता है, पर यहाँ पे ये इसको सबस्ट्रेटम से, जमीन से अटैच कर लेगा, और ये वाले जो सूडोपोडिया उसको वो नॉर्मल बना देगा, तो ये हवा में आ जाएगा, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे फिर एक और सूडोपोडियम बनेगा, फिर ये गायब हो जाएगा, ऐसे पीछे वाले गायब होते जाते हैं, आगे वाले सूडोपोडियम बनते जाते हैं। और सूडोपोडियम से, पोडिया से ये फूड भी इनटेक करता है, इंजेशन भी करता है। इसमें क्या होता है, ये एक सूडोपोडियम इसने बनाया इधर से और इधर से, और इस फूड को अंदर ले लेगा, अंदर लेके ये इसके बाहर एक कवरिंग आ जाएगी और ये बॉडी के अंदर आ जाएगा और ये वैक्यूल में आ जाएगा, फिर इसे डिसॉल्व करके पूरे बॉडी में इससे इसके जो सब्सटेंसेज है उनको यूज़ किया जाएगा, और बाद में वेस्ट मटेरियल को भी ऐसे ही जो बचा हुआ है उसे भी ऐसे सूडोपोडिया बना के बाहर निकाल दिया जाएगा। सो डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन टू द, ये इसमें बताया गया, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट सूडोपोडिया, जब उसको सेंस लगता है कि आसपास कोई फूड है तो वो एक सूडोपोडिया बनाता है अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ, और उसको गटक लेता है, अपने एरिया में ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और उसको एक फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लेता है। इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस डाले जाते हैं और फूड को तोड़ दिया जाता है और डिसॉल्व कर लिया जाता है, फिर ये वॉल टूट जाती है और पूरे सेल के अंदर यूज़ होती है एनर्जी के लिए और एब्जॉर्ब होता है। और जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है उसका क्या काम है, मेंटेनेंस, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करना। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, वो भी वैक्यूल बना के बाहर फेंक दिया जाता है, कौन, अनडाइजेस्टेड और वेस्ट प्रोडक्ट जो उनके काम का नहीं होता। सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल, इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी तक हमने डाइजेशन पढ़ा, अब अगले वाले चैप्टर्स में हम फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो कि एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, हैव अ नाइस डे।